आज मैं पुणे कैंप में आया हूँ। नमस्कार मेरे दर्शकों, और अनूप जी मेरे साथ हैं। इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी, और मैंने जैसे पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, और बहुत सारे उनको डर लगता है, टेंशन रहती है और परेशान रहते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अनूप जी से सुनेंगे कि क्या उन्होंने इस चीज़ से कैसे उन्होंने निजात पाई, कब मुझे मिले। बताइए अनूप जी, आपको कब हुआ था ये डायग्नोस? मैं लगभग 2012 से ये अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित रहा हूँ। 10 साल? हाँ, 10 साल हो गए। और 2019 में सर के कांटेक्ट में आया, तब अच्छा। से लगभग 3-4 साल चल रहे हैं। हाँ, तो तब से ये ट्रीटमेंट चल रहा था, तो लगभग 2-3 साल में मैं पूरी तरह से ठीक हो गया था। अभी जस्ट एक विजिट के लिए आज पहले भी बहुत सारे पेशेंट आए हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, और वैसे ही मिलने के लिए। और कल परसों उधर भी अहमदाबाद में भी मेरा कैंप था, तो वहाँ पे भी कुछ लोग आए थे जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और सिर्फ मिलने के लिए आते हैं। और ये जो कोलाइटिस है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्यों है? जब हम दूध, पनीर, छाछ या दूध से बनी चीज़ों को खट्टी चीज़ों के साथ मिक्स करके खाते हैं, जैसे दही खा रहे हैं ना, उसमें चटनी डाल दी इमली की, जैसे आपने कोई खट्टा जूस पी लिया, संतरा, मौसमी, नींबू का रस पी लिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद एक घंटे बाद जूस पी लिया या दूध पी लिया है ना, या तक्कर पी लिया, तो उससे क्या होता है, अंदर फर्मेंटेशन होती है पेट में। या कोई इनकम्पेटेबल फूड्स आपने खा लिए जो आपस में नहीं मिलने चाहिए, जैसे खट्टा ज़्यादा खा लिया और नमकीन ज़्यादा खा लिया और मीठा, तो ये हम आमतौर पे लोग खाते रहते हैं, बाज़ार में खाना खाते रहते हैं, और इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं या इनकम्पेटेबल फूड खा लेते हैं, या घर में भी खाते खाते जो खट्टे के साथ कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स ले लिया। तो आपको क्या प्रॉब्लम आती थी, मतलब जब आपको हुआ 2010 में, और इसमें लिखा मैंने 2010 में क्या प्रॉब्लम हुई, क्या थी? तो बार बार स्टूल पास करता था, म्यूकस आता था, और लगभग मैं एक बार तो मैं ऐसी कंडीशन थी कि 30-32 बार टॉयलेट के लिए जा रहा था। तो 30-32 बार जा रहे थे? हाँ, उस समय 2010-11 में। हाँ, अच्छा। तो ऐसी बुरी कंडीशन थी, तो एलोपैथी की वजह से थोड़ा बहुत आराम मिलता था, लेकिन वो टेम्प्रेरी था। कुछ दिनों तक अच्छा लग रहा था, कुछ दिनों तक वो फिर से वो फ्लेयर एक्टिव हो जाता। अब तो आप टर्मिनोलॉजी भी भूल गए, ठीक हो गया, तो ये भी भूल गए कि क्या होता है, दवाइयों के नाम भी भूल गया। अच्छा। तो उसके बाद में जब से मैंने आयुर्वेदा का, प्लैनेट आयुर्वेदा का शुरू किया ट्रीटमेंट, तब से धीरे धीरे से उसका इफेक्ट शुरू हुआ। ऐसा है कि हम अगर ये लेते हैं आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट, उसके साथ साथ में जो डाइट प्लान दिया है वो भी फॉलो करना पड़ता है। अगर हम वो ठीक से नहीं फॉलो करेंगे तो उसमें भी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो वो जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। पथ्य सत्य गदार्थ से किम औषध न सेवन, पथ्य असत्य गदार्थ से किम औषध न सेवन, मतलब कि अगर परहेज नहीं करते तो दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है, परहेज कर लेते हैं फिर भी दवाई की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना, लाइफ में। तो ये श्लोक आयुर्वेद में बताया गया है। तो आपको कितनी बार जाना पड़ता था? 35 बार 30 बार? हाँ, मतलब एक इंस्टेंस था जब मैं 30-35 बार भी जा चुका हूँ, लगभग 7-8 बार तो रेगुलर जाते थे। एवरेज ब्लड भी आता था? हाँ, म्यूकस वगैरह भी आता था। तो आपको काफी आपको डॉक्टर ने क्या बोला था कि क्या डॉक्टर बोले थे कि ये परमानेंट रहेगा, लाइफ टाइम बीमारी रहेगी आपके साथ, तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, आपको जो दवाइयाँ दी है वो खानी पड़ सकती है लाइफ टाइम के लिए। और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया था कि ये चीज़ मत खाओ या वो चीज़ मत खाओ, सारा खाना खा सकते हो लेकिन ये दवाइयाँ भी खानी पड़ेगी।
तो आप क्या काम करते हो? मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पुणे में? हाँ, तो उसमें भी ऐसा है कि मैं नाइट शिफ्ट मोस्टली कर रहा था, तो उसका भी नाइट शिफ्ट का भी रात्रि जागरण से तो वायु बढ़ती है ना, आयुर्वेद में लिखा है कि रात को जागोगे तो वायु बढ़ेगी और पेट में गड़बड़ होगी, तो इसलिए रात को जागना नहीं। अभी तो नहीं जागते? अभी नहीं, अभी जॉब स्विच कर चुका हूँ। जॉब भी छोड़ दी? तो मैंने बोला था जॉब छोड़ने के लिए, डे शिफ्ट वाला जॉब अभी कर रहा हूँ। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि रात को जॉब मत करो, दिन में काम करो, रात को सो, क्योंकि रात सोने के लिए बनी है, जागने के लिए नहीं बनी है ना। तो जो भी हीलिंग होती है हमारी सो करके होती है, और अल्सरेटिक मैटर्स में सोना बहुत जरूरी है, और पेशेंट जो है स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से सो भी नहीं पाते। हाँ, तो अब ये अनूप जी जो है, अब आप बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल, 95% ठीक है। तो अभी स्टूल्स कितनी बार जाते हैं? अभी एक से दो बार। एक से दो बार ब्लड आता है? नहीं, ब्लड नहीं आता। म्यूकस आता है? कोई गैस बनती है थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत। तो बस अब सिर्फ ये थोड़ी बहुत गैस बनने की समस्या रह गई, बाकी 95% ठीक है। और बीच में दवाई रेगुलर खाई है आपने 3-4 साल पूरी? तीन साल खाई थी, ढाई तीन साल खाई थी लगभग। एक साल से कुछ नहीं खाया था। एक साल से कोई मेडिसिन नहीं खा रहे हैं? ओके, आज वैसे आए हैं। हाँ, चलो थोड़ी बहुत गैस बनती है तो मिलाते हैं डॉक्टर साहब को, अदरवाइज ही इज परफेक्टली ओके। और आपने पुरानी सारी रिपोर्ट्स आपके पास हैं? हाँ, क्रोनोस्कोपी वगैरह? हाँ, सब है सब। ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने डाइट चार्ट काफ़ी बनाए हुए हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर, बहुत सारे वीडियोस हैं उसमें डाइट बताई है कि दूध पनीर और छाछ ये नहीं लेना, दही खा सकते हो, केला खा सकते हो, अनार का रस 50 ml सुबह शाम पी सकते हो, नारियल पानी 50 ml या 100 ml सुबह शाम पी सकते हो, और मेनली आप रोटी खा सकते हो, सब्जी खा सकते हो, है ना, और घिया कौरी टिंडा वगैरह ये ज़्यादा खाओ। और वो और मूंग की दाल खाओ। वो जीरा वाला डिकॉक्शन, जीरा वाला डिकॉक्शन पियो, जीरा सौंफ और अजवाइन उसका काढ़ा बना करके गैस के लिए, उसको गैस होती है वो ये करे, और खिचड़ी खाए मूंग की, मूंग की दाल की खिचड़ी, घी डाल के खाए, घी खा सकते हो, थोड़ा वजन बढ़ेगा। अब खाते पीते कम हो, आप घी खाया करो शाम को, घर कम घी खाता हो वो कम करते हो, घी खाओ और खिचड़ी में घी डाल करके खाओ, ठीक है, उनकी दाल वाली खिचड़ी खाओ और स्पाइसी नहीं खाना। और इस तरह से जो कोलाइटिस है इसको पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है, और भी मैं पेशेंट्स के डांटता रहता हूँ। तो और कुछ पेशेंट को कोई मैसेज देना चाहते हो आप? वही बताना चाहूँगा कि आप पूरी तरह से प्लैनेट आयुर्वेदा का ट्रस्ट कर सकते हो, ये मतलब परमानेंट क्योर है। अगर आप बहुत पीड़ित हो तो निगेटिव इसमें आ जाए, ये एक चीज़ ऐसी है कि हम बहुत ही डिप्रेशन में जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, लेकिन हम इससे बाहर निकल सकते हैं। एक लड़की और थी यहाँ पे, मित्रा हंस रही थी, वो मराठी बोल बोल के उसको कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी, उसको मैंने बोला कि आपको जी ताज करके, जी ताज 24 तास, तुम्हें तो जी 24 तास में आना चाहिए और कोलाइटिस के बारे में और आयुर्वेद के बारे में बोलना चाहिए। तो आपका आप बता रहे थे मेरे को इंटरव्यू से पहले कि तो दांत में, हाँ, तो मुझे एलोपैथी में जो दवाई दी थी उसमें स्टीरॉइड्स थे, तो पूरे मेरे दांत ये खराब हो चुके। तो स्टीरॉइड खा के दांत खराब हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, शुगर हो जाती है कई पेशेंट को, मेरे कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको स्टीरॉइड खा के शुगर भी होगी, तो उनकी कोलाइटिस ठीक होगी, शुगर ठीक नहीं होगी। मतलब कि मैंने जो दवाइयाँ दी उससे कोलाइटिस तो ठीक होगी, शुगर को ठीक करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो अंग्रेजी दवाइयाँ खा के, स्टीरॉइड खा खा के जैसे इनके दांत खराब हो गए, तो इसी तरह से स्टीरॉइड से बचा जा सकता है। बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है, जैसे बेल का फल है, बेल की गिरी का चूर्ण आपको दिया होगा, है ना, बेल की गिरी का चूर्ण। आज भी कोई पेशेंट था, उसको कोलोनोस्कोपी करवा के आया था, बिल्कुल क्लियर हो गया उसकी, पहले कोलोन में अल्सर थे, बाद में सारे अल्सर गायब, सिर्फ बेल की गिरी का चूर्ण दिया, है ना। तो ये बहुत अच्छी नेचुरल चीज़ें हैं, तो ये आप खाएं उससे ठीक रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाए सारी आयुर्वेदिक मेडिसिंस की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सलूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। Planet Ayurveda, founded in 2002 by Dr. Vikram Chauhan, MD Ayurveda. Dr. Vikram Chauhan का एक ही मोटिव है, हर घर आयुर्वेदा। Planet Ayurveda के जरिए Dr. Vikram Chauhan आयुर्वेदा को दुनिया के हर कोने में पहुंचाते हैं, ताकि लोग naturally healthy life जी सके। Planet Ayurveda का हेड ऑफिस मोहाली पंजाब में है। Planet Ayurveda पूरे प्लेनेट पर आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहा है। बीमारी कोई भी हो, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ITP, क्रॉनिक किडनी, स्किन, लंग डिजीजेस, नेक बैक नी पेन्स, अर्थराइटिस, सोरियोसिस, माइग्रेन, गाइनी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, बेली फैट या और कोई, सॉल्यूशन सिर्फ एक, पूरे प्लेनेट के लोगों की सेहत का नंबर वन साथी। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाए सारी आयुर्वेदिक मेडिसिंस की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सलूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com।